जिला परिषद के धीरड पार्ट से जिला परिषद सदस्य के लिए बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार अभयवीर सिंह लवली ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। एसडीएम कार्यालय भोरंज में अभयवीर सिंह लवली ने अपना नामांकन पत्र भरने के बाद अपनी जीत का दावा किया। अभयवीर सिंह लवली ने कहा कि इस बार भाजपा की 100% जीत तय है। लवली जी, आप अपना जिला परिषद के लिए नॉमिनेशन भर रहे हैं और ये चुनाव के बारे में आपका क्या कहना है? मैं अभयवीर सिंह लवली आज धीरड़ समीरपुर बार से भाजपा समर्थित उम्मीदवार के रूप में मैंने अपना नामांकन भरा। मैं अपने धीरड़ वार्ड के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से, मातृशक्ति के आशीर्वाद से इस बार जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार बना हूँ चुनाव जीतूँगा। तथा जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं पंचायती राज को लेके, प्रदेश सरकार की नीतियां हैं पंचायती राज को लेके, वो सभी नीतियां और जो भी सभी जनता को लाभ होगा वो हर घर तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा एम है, यही मेरा चुनाव लड़ने का जो मैंने सोचा है वो करके दिखाऊंगा। हर एक चुनाव काफ़ी मुश्किल होता है, मैं उसी तरह से ले रहा हूँ और हर एक मतदाता के पास जा रहा हूँ और उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूँ। आप अपने हाईकमान को लेकर यह सुनिश्चित हैं कि वो आपके साथ हैं? हाईकमान ने ही मुझे चुनाव लड़ने का आदेश दिया है। मैं आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के आशीर्वाद से और भोरंज की लोकप्रिय विधायिका कमलेश कुमारी जी के आशीर्वाद से और अपने जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा जी के आशीर्वाद से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बना हूँ। मतदाताओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप मतदान करें तो विकास को ध्यान में रख के ही मतदान करें।